आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। और इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग हमारे पास सामने आ रही है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? ये सवाल इस वक्त हर किसी की जुबान पर है और इसे लेकर सियासी घटनाक्रम भी बड़ी तेजी से चल रहा है। जी हाँ, बात की जाए तो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के कई दिग्गज नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इसी बीच जो है नरसिंहपुर विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव जीतने वाले प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। प्रहलाद पटेल ने यह बयान सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद कहा है और कहा जा रहा है कि प्रहलाद पटेल ने इशारे इशारे में बड़ी बात अपने इस बयान में जो है कह दी है। और वो बयान में उन्होंने क्या कुछ बात कही है, आइए आपको सुनवाते हैं। अपनी पार्टी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलने के बाद हमने प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लिया और लोकसभा से त्याग पत्र माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहां का है जो जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से मैं अभी कुछ देर बाद मंत्रिपरिषद से भी इस्तीफा दूंगा।